कैसे हैं आप? नमस्कार प्रणाम भैया, आप सभी लोगों के हम पप्पू यादव प्रणाम करते हैं, पैर छूट प्रणाम करते हुए नए साल की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामना। क्या कुछ चल रहा है शूटिंग पर जो बताएं हमारे? ये फिल्म है दूल्हा और बहुत अच्छा लग रहा है। इस फिल्म का लोकेशन बहुत बढ़िया है और काम करके बहुत मज़ा आ रहा है भैया। इसके डायरेक्टर हैं आदर्श जैन जी, उनके साथ मेरी पहली फिल्म है और बहुत अच्छा लग रहा है। आदर्श जी के साथ काम करके कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस है आपका उनके? बहुत अच्छे इंसान हैं और अनुभवी इंसान हैं और डायरेक्शन तो जो है बहुत ही बेखूबी से कर रहे हैं और एक एक चीज़ बताते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं कि इस तरह से करिए जो है अच्छा लगेगा। तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। इस दूल्हा फिल्म में और आपके साथ कौन कौन से आर्टिस्ट हैं, नाम बताएं? इसमें जो है के भैया हैं, उदेश भैया हैं और हमारे जो है मित्र हैं जो कि इसमें हीरो हैं, आदित्य मोहन जी, और हीरोइन एक मौर्या जी हैं जो हमारे जौनपुर से ही हैं। किस तरह का सिनेमा है ये? ये पारिवारिक फिल्म है और कॉमेडी हर चीज़ आपको मिलेगा इसमें, जो है आपको बहुत अच्छी लगेगी। आपका जो किरदार इस फिल्म में क्या है? हमेशा की तरह वही जो है मेरा इसमें खलनायक की भूमिका है और आपको ये कुछ अलग देखने को मिलेगा इसमें। अजय, आपको खलनायक कहना अच्छा लगता है? फिल्मों में तो भाई अब रवि भैया के साथ खलनायकी करने में एक अलग मज़ा है, केसारी भाई के साथ करने में एक और मज़ा है, और दिनेश भैया के साथ किया हूँ उनके साथ करके एक अलग अनुभूति होती है। तो सब लोगों के साथ किया हूँ, बहुत अच्छा लगता है, सब लोगों का एक अलग आवरा है और आप अपने हिसाब से जो है कलाकारी करिए, डायरेक्टर जो है जो बताएगा उसको उस चीज़ को आप जो है जी लीजिए और अपने करेक्टर को बखूबी निभाइए, यही जो है अच्छा रहेगा। पप्पू जी, इस फिल्म के अभिनेता आदित्य मोहन जी, हीरोइन प्रीति मौर्या जी हैं, दोनों का क्या कुछ कम्युनिकेशन है, आपको अच्छा लगा या बुरा, कुछ बताएं उनके दोनों के बारे में? बहुत अच्छे लोग हैं, आदित्य मोहन भी बहुत अच्छा अपना भाई है और प्रीति मौर्या जी भी जो है बहुत ही उम्दा कलाकार हैं और जोड़ी बहुत अच्छी है, जो है अच्छे लोग हैं। आपके साथ और भी कौन कौन से खलनायक जरा बताएं? मेरे साथ तो जो है अवधेशी हैं जो है और बड़े भाई हैं हमारे। अवधेश जी के बारे में क्या आपकी राय है, आप अच्छे खलनायक हो या वो अच्छे हैं? भाई से सीखने को मिलता है, जो है अवधेश भैया से सीखने को मिलता है, वो जो है हर चीज़ सिखाते हैं, बताते हैं कि भाई इस तरह से करिए। मतलब कि वो गंदी बातें सिखाते हैं, ये खलनायक तो गंदा होता है? ऐसा नहीं है, जो है कुछ चीज़ें अगर अच्छी हैं तो उसको ग्रहण करिए, खराब को छोड़ दीजिए, ये आपके ऊपर है आपको क्या ग्रहण करना है, अच्छा ग्रहण करना है कि खराब ग्रहण करना है, तो खराब को छोड़ दीजिए, अच्छे को ग्रहण कर लीजिए। पप्पू जी, जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छा।